फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बॉडी में फैट कम करके तेजी से अपने एब्स बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको तेजी से एब्स बनाने के लिए एक्सरसाइजेस तो बताएंगे ही, पर साथ में आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स भी बताएंगे जो कि आपको पता होनी ही चाहिए अगर आप कम टाइम में अपने एब्स बनाना चाहते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आपको शुरू से एंड तक इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना और समझना है। तो पहले हम बात करेंगे जरूरी टिप्स की, जिनकी मदद से कम टाइम में ही आप से अपने एब्स बना सकते हो, और उसके बाद एब्स के लिए जरूरी एक्सरसाइजेज भी आपको बताएंगे जिन्हें आप अपने घर से ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके एब्स जब बनते हैं, जब आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज कम होता है, और एब्स बनाने के लिए आपको अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज 12% या उससे कम पर लाना होता है, क्योंकि 12% से कम फैट परसेंटेज होने के बाद ही आपके एब्स अच्छे से दिखाई देते हैं। तो अगर आपको अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज पता लगा है तो आप अपने पेट के फैट को पकड़ कर देखें। अगर पेट को पकड़ने के बाद आपके हाथ में ज्यादा फैट आता है तो आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है, और अगर ज्यादा फैट आपके हाथ में नहीं आता तो आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज ज्यादा नहीं है। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपका फैट परसेंटेज ज्यादा है तो आपको एब्स की एक्सरसाइजेज से ज्यादा कार्डियो एक्सरसाइजेज पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि आपको जंपिंग, रनिंग और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइजेज ज्यादा करनी चाहिए, तभी आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा कम हो पाएगा। और जिनका फैट परसेंटेज ज्यादा नहीं है वो लोग ज्यादा से ज्यादा एब्स की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, यानी हफ्ते में 2 से 3 बार एब्स वर्कआउट जरूर करें। फ्रेंड्स, काफी लोग ये भी गलती करते हैं कि एब्स की वर्कआउट हफ्ते में एक ही बार करते हैं, लेकिन भले ही आप किसी भी बॉडी पार्ट का वर्कआउट करें मगर लास्ट में आपको 1 से 2 एक्सरसाइज एब्स के लिए जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लड़के ये भी गलती करते हैं कि एब्स बनाने के लिए कार्डियो एक्सरसाइज और दूसरी एब्स एक्सरसाइजेज पर तो ध्यान देते हैं पर अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते। तो फ्रेंड्स, बॉडी फैट कम करने के लिए और एब्स बनाने के लिए एक्सरसाइज से ज्यादा रोल डाइट का होता है, और अक्सर लड़के ये समझते हैं कि अगर वो फास्ट फूड और तली हुई चीजें खाना छोड़ देते हैं तो सिर्फ इससे ही उनका फैट परसेंटेज कम हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तली हुई चीजें और फास्ट फूड छोड़ देने से ही आपका फैट परसेंटेज कम हो जाएगा। आपको तली भुनी चीजें और फास्ट फूड छोड़ने के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप मीठी चीजों को कम से कम खाएं, और रात के टाइम खाना आप थोड़ा कम खाएं, और कोशिश करें कि रात में जितनी जल्दी हो सके आप खाना खा लें, यानी कोशिश करें आप 8 बजे से पहले ही पहले खाना खा लें। और एक जरूरी बात कि आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट लेनी होगी, यानी जितनी कैलोरीज आप अब खा रहे हैं उससे कुछ कम कैलोरीज आपको लेनी होंगी, और इस तरह से आपकी बॉडी में जमा फैट धीरे धीरे कम होने लगेगा और तब जाकर आपके एब्स तेजी से बन पाएंगे। फ्रेंड्स, कुछ लड़के ये भी गलती करते हैं कि वो एब्स की वर्कआउट करते हुए अपने कोर मसल्स को टाइट नहीं रखते, यानी पेट वाले एरिया को टाइट नहीं रखते, तो इस वजह से आपके एब्स बनने में काफी टाइम लग जाता है। तो जब भी आप एब्स की वर्कआउट करें या फिर कोई भी एक्सरसाइज आप करें तो कोशिश करें कि उसमें आपको अपने कोर एरिया को टाइट रखना है, मतलब कि आपको अपने पेट को टाइट रखते हुए एक्सरसाइजेस को करना है। ऐसा करने से आपके एब्स तेजी से बाहर आने लगेंगे। इसके अलावा आपके एब्स जल्दी ना बन पाने की एक वजह ये भी है कि आप एब्स की हार्ड एक्सरसाइजेस नहीं करते, जैसे कि प्लैंक या फिर लेग रेज जैसी एक्सरसाइजेस आप लोग नहीं करते। तो बहुत सारी हार्ड एक्सरसाइजेस एब्स की ऐसी होती हैं जो करने में थोड़ी मुश्किल तो होती हैं पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव काम करती हैं वो आपके एब्स बनाने के लिए। तो ऐसी एक्सरसाइजेस आपको हम आगे बताएंगे। और लोग एक गलती ये भी करते हैं कि वो फ्रंट एब्स की एक्सरसाइजेस करते हैं, यानी अपर और लोअर एब्स की एक्सरसाइजेस तो करते हैं पर पेट के साइड वाले हिस्से की एक्सरसाइजेस यानी ऑब्लिक्स की एक्सरसाइजेस लोग नहीं करते, जिसकी वजह से आपके एब्स पूरे बनने में काफी टाइम लग जाता है। इसीलिए एब्स के साइड के पार्ट की एक्सरसाइजेस भी आपको जरूर करनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि तेजी से एब मसल्स बनाने के लिए कौन सा वर्कआउट प्लान आपको फॉलो करना है। तो जिन लोगों का फैट परसेंटेज काफी ज्यादा है वो लोग एब्स वर्कआउट शुरू करने से पहले कम से कम 30 मिनट कार्डियो एक्सरसाइजेस जरूर करें और उसके बाद एब्स वर्कआउट शुरू करें, और जिन लोगों का फैट परसेंटेज ज्यादा नहीं है वो लोग भी कम से कम 10 से 15 मिनट कार्डियो एक्सरसाइजेस जरूर करें। और अगर आप जिम में कार्डियो वर्कआउट करते हैं तो आप ट्रेडमिल पर दौड़ सकते हैं या आप साइकिलिंग कर सकते हैं, और अगर आप लोग घर पर एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप जंपिंग जैक या फिर रोप जंपिंग आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्कआउट प्लान में हमारी पहली एक्सरसाइज है बाइसिकल क्रंच। ये एक्सरसाइज आपके पूरे एब्स यानी कि अपर एब्स और लोअर एब्स और साथ में ऑब्लिक्स को भी बनाने का काम काफी अच्छे से करती है, इसीलिए इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट लगाने हैं और
हर एक सेट में ज्यादा से ज्यादा रैप्स निकालने की कोशिश आपको करनी है। इसे करने के लिए आपको कमर के बल जमीन पर इस तरह से लेट जाना है और फिर अपने हाथों और पैरों से मूवमेंट करते हुए इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म आपको करना है। एक्सरसाइज नंबर 2, प्लैंक साइकिल एक्सरसाइज। प्लैंक साइकिल एक्सरसाइज आपके कोर एरिया से फैट को काफी तेजी से कम करती है, जिससे तेजी से आपके एब्स विजिबल होने लगते हैं। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट लगाने हैं और ज्यादा से ज्यादा देर तक एक्सरसाइज को करने की कोशिश करनी है। नंबर 3 पर जैक नाइफ सिटअप एक्सरसाइज आपको करनी है। ये एक्सरसाइज आपके अपर और लोअर एब्स को काफी तेजी से बनाने में काफी इफेक्टिव है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 सेट ही लगाने हैं और ज्यादा से ज्यादा रैप्स निकालने हैं। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज नंबर 4 है स्ट्रेट आर्म ऑब्लिक साइकिल। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने दोनों हाथ जमीन पर रखकर अपने पैर मोड़ते हुए साइड से लेकर आएं और अपने घुटने से अपने हाथों को टच करने की कोशिश करें। ये एक्सरसाइज आपके साइड ऑब्लिक्स को बड़ी तेजी से बनाने का काम करेगी, तो ये एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है। वैसे इस एक्सरसाइज के भी आपको 2 से 3 सेट लगाने हैं और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रैप्स निकालने हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 है हैंगिंग लेग रेजेस। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज करने में थोड़ी मुश्किल जरूर है, पर ये एक्सरसाइज आपके लोअर एब्स को तेजी से बनाने का काम करती है, तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से सीखना और आपको करना बहुत जरूरी है। इसे करने के लिए आपको इस तरह से लटकना होता है और अपने पैरों को सामने की तरफ इस तरह से उठाने की कोशिश आपको करनी होती है। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज अगर आप सही से कर पाते हैं तो इसके 1 से 2 सेट आपको लगाने हैं और जितने रेपिटेशन आप निकाल पाए आपको निकालने हैं। फ्रेंड्स, बताई हुई टिप्स और वर्कआउट को अगर आप फॉलो करते हैं तो काफी तेजी से आप अपने एब्स को विजिबल बना सकते हो। फिटनेस रिलेटेड ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।